एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें। क्या नाम है तुम्हारा? पंडित मयंक तिवारी। कौन क्या नंबर है तुम्हारा, मोबाइल नंबर क्या है? इस युवक का नाम है मयंक तिवारी, जो आपने सुना, और जो व्यक्ति इनसे बातचीत कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने की टीम है। दरअसल मयंक तिवारी जो गणेश तलाई में रहता है, उसने रेंडमली एक फोन गुजरात के गांधीनगर में लगा दिया और उसने गांधीनगर के उस व्यक्ति को कहा कि वह युवक कुछ देर बाद एक गलत कदम उठा लेगा। तत्काल खंडवा कंट्रोल रूम को गांधीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया। कंट्रोल रूम ने यह जानकारी खंडवा CSP पूनम चंद्र यादव को दी। पूनम चंद्र यादव ने तत्काल साइबर सेल की टीम को एक्टिव किया और पता लगा कि वह गणेश तलाई का नंबर है। गणेश तलाई में उस युवक की तलाश कर कोतवाली थाने की टीम पहुंची और आपको बता दें कि दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे को खोला गया, इस युवक की गलत कदम उठाने की तैयारी थी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस युवक को ऐसा करने से रोका और इस युवक ने आपको बता दें नशा भी किया हुआ था और ये पूरा माइंड बनाया हुआ था कि ये गलत कदम उठाने वाला है। बहरहाल गांधीनगर की पुलिस की टीम ने, जो गुजरात का गांधीनगर है, उन्होंने इस मामले को सीरियसली लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस की टीम सीरियस नहीं लेती, क्योंकि जो फोन था वो रेंडमली इस युवक ने गांधीनगर के किसी व्यक्ति को लगा दिया। सपोज आपने कोई भी नंबर डायल किया, वो कहीं ना कहीं लग गया, तो वो गांधीनगर में जाकर लगा गुजरात के। उस व्यक्ति ने भी तत्काल गांधीनगर के कंट्रोल रूम को जानकारी दी। गांधीनगर के कंट्रोल रूम ने खंडवा कंट्रोल रूम को जानकारी दी। कंट्रोल रूम ने CSP को दी। CSP ने साइबर टीम को तत्काल एक्टिव किया। साइबर सेल के जितेंद्र राठौर ने तत्काल इस युवक के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की। ट्रेस करने के बाद इस युवक की लोकेशन गणेश तलाई आई। कोतवाली थाना प्रभारी बलराम राठौर एक्टिव हुए, उनकी टीम एक्टिव हुई और तत्काल इस पूरे प्रोसेस में आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट एक्शन खंडवा पुलिस ने लिया, गांधीनगर की टीम ने लिया और फाइनली इस युवक को बचाया जा सका। इस युवक ने बताया कि वो बहुत परेशान है, अपनी लाइफ से डिस्टर्ब हो चुका है, जीवन में कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो वो चाहता था। और आपको बता दें कि जो इसने इस तरह की परिस्थितियों के चलते सोच बनाई वो बहुत गलत है। जीवन में मैक्सिमम लोगों की यही समस्या है कि वो जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, लेकिन जो भी होता है अगर धर्म के हिसाब से कहें अच्छा होता है, प्रारब्ध होता है, लेकिन अगर पेशेंस से, डिटरमाइंड होके, यानी धैर्य से, दृढ़ निश्चयी होकर अगर आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो समय आगे पीछे हो सकता है लेकिन लक्ष्य हासिल जरूर होता है। हर व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, संबंधों से संबंधित समस्या, सुख दुख, ये चार पॉइंट हैं जिस पे आदमी की जिंदगी केंद्रित रहती है और ये चारों पॉइंट को फेस करना चाहिए, इसी में आनंद है, इनसे दूर नहीं भागना चाहिए और इन सब चीज़ों का समाधान है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। समस्याओं से परेशान होकर इस तरह की सोच बनाना बिल्कुल गलत है जो इस लड़के ने बना ली थी और इसके पूरे परिवार ने खंडवा पुलिस का, गांधीनगर पुलिस का, खंडवा CSP का, SP साहब का, कोतवाली थाने का आभार व्यक्त किया है। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर LED TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार ज़रूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।